this BC Yami? Okay, we are live now. Live now? Okay, very good, very good. We are now live, that's good. Namaskar, Inspiring Indian Woman ki taraf se aapka bahut bahut swagat hai. Aur aaj hum jude hai Uttar Pradesh Community Association ke saath. और आज विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरा नाम दशना शाह है और मैं आज की आपकी होस्ट हूं. और मेरे साथ बने रहिए. हमारे गेस्ट बहुत दिग्गज मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कोई कोई लोग अभी जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं पर उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी. हमारे साथ जुड़ने वाली है सविता मलिक, हिंदी अटैची, हाई कमीशन ऑफ यूके. उसके अलावा हमारे साथ है विजय राणा जो कि एक ऑथर है, फिल्म मेकर है और फॉर्मर बीबीसी करस्पॉन्डेंट भी है. आई थिंक सविता मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है. हमारे साथ है अश्वनी श्रीवास्तव जी. बहुत बहुत हार्दिक स्वागत. उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है. उसके अलावा उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी और वीरेंद्र मिश्रा जी. बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार. और हमारे प्यारे हमारे और सबके प्यारे ज्ञान शर्मा जी, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है. नमस्कार ज्ञान शर्मा जी भी जुड़े हैं. बहुत बहुत स्वागत है सभी का. और एज यूजुअल यू नो रश्मि जी भी हमारे साथ है. रश्मि जी, हमने बहुत ही कम समय में ये ऑर्गेनाइज किया है तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम ये दिन सब मिलकर बना रहे हैं. और फिर से दर्शना, मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ. बीसी हाँ. हमारी वंदना चोपड़ा है, काउंसलर वंदना चोपड़ा फ्रॉम हॉन्सलो. सो वंदना जी नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग. वंदना जी थैंक यू फॉर कमिंग. नमस्कार और बहुत स्वागत आपका भी. बहुत बहुत सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद आप आए इस प्रोग्राम में. और हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में बात करना चाहेंगे. और जैसे आप सब जानते हैं 14 सितंबर हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है. पर हम ये दिन भी मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस. तो मैं पहले सबसे पहले थोड़ा विजय राणा जी को थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए कि ये कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे का क्या महत्व है. विजय राणा जी से थोड़ा पूछना चाहूंगी और बाद में अश्वनी जी से. और ज्ञान शर्मा आप बने रहिए, आपको हम जाने नहीं देंगे जब तक आप आपकी कविता सुनाएंगे नहीं. आज के दिन आपको बिल्कुल बिल्कुल हम जाने नहीं देंगे, तो बने रहिए. ओवर टू यू विजय राणा जी. जी धन्यवाद दर्शना जी, और सभी का स्वागत करता हूं मैं. आप बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने के लिए आमंत्रित किया. इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. देखिए, जो बहुत ज्यादा जानकारी तो हमें उपलब्ध नहीं है, और ये 10 जनवरी का दिन क्यों ये तय किया गया, हालांकि जो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, और ये सिर्फ एक अनुमान है, कि ये सारी घटनाएं महात्मा गांधी के भारत आगमन से जुड़ी हुई हैं. इसी हिसाब से हम लोग 8 या 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जब वो भारत 1915 में जब वो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत. और शायद उसके अगले दिन फिर ये, क्योंकि उसी क्रम में भारत सरकार के आयोजन ये है कि, और उसी क्रम में संभवतः ये सोचा गया होगा कि भाई 8-9 को हम ये मनाते, 10 तारीख को हम ये मना रहे. हालांकि जो सबसे पहला मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, और वो शायद एकमात्र ऐसी मतलब वन ऑफ इवेंट थी, वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में उसका आयोजन किया गया था एक सम्मेलन के रूप में, जिसमें 122 देशों के, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. और उसके बाद कोई इतिहास हमें नहीं मिलता कि उसके बाद क्या हुआ, अगले वर्षों में मनाया गया कि नहीं मनाया गया. और उसके बाद फिर 2003 में वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तब एक बार फिर ये विश्व हिंदी दिवस की परंपरा को दोबारा से मनाया गया. देखिए, यहाँ वाजपेयी जी का योगदान हमें इसलिए याद करना होगा. मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग तब अपने कॉलेज के अंतिम वर्षों में थे. वाजपेयी जी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना हिंदी में भाषण दिया था.
और उसको लेकर के देश में बड़ी भारी चर्चा हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार हिंदी सुनने को मिली थी। और जिन लोगों ने सुना है, मैंने तो उनको देखा भी है, इंटरव्यू भी किया है वाजपेयी जी का, जिन लोगों ने सुना है, हिंदी के असाधारण वक्ता थे, जो भाषा का प्रयोग जिस तरह से करते थे और हिंदी को एक कहना चाहिए विश्व मंच पर ले जाने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मुझे याद है जब वाजपेयी जी बोलते थे हिंदी, उनकी कविताएं, उनका जो भाषण और जो वजन होता था, मतलब टीवी से हम बिल्कुल हटना नहीं चाहते थे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आज हम यूके में रहते हुए सब लोग जुड़कर ये देख रहे हैं। आप लोग अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए ये वीडियो, और लोगों को भी आमंत्रित कीजिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ओवर टू यू अगेन विजय राणा जी। जी, और जो देखिए ये तो अभी इंटरनेट का युग है और सारे उनके वीडियोस मिले हुए हैं, जो उस समय बहुत कम है। मैंने उनको बचपन की उनकी चुनाव सभाओं में देखा है, शहर में वो जब आते थे और जिस तरह से बोलते थे धारा प्रवाह, बाद में तो वो धीरे धीरे अटक के, उम्र हो गई थी उनकी, और धीरे धीरे बोलने लगे, कई बार लोग सोचते थे वो क्या कहने वाले हैं, लेकिन बड़ी कल्पनाशील भाषा उनकी थी और लाखों की भीड़ को संबोधित करते थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर के घंटों सुनते थे उनको उनकी जनसभाओं में। तो खैर, उनके योगदान के बाद फिर 2006 में विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस विश्व हिंदी दिवस को अपनाया और उसके बाद से नियमित रूप से हर साल हम आज 10 जनवरी के दिन ये विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तो इस देश में 1982 में आया था, जब बहुत सारे लोग आप में से शायद जन्म भी नहीं हुआ था, और उस समय यहाँ हिंदी का लगभग प्रचलन ना के बराबर था। ज्यादातर लोग पंजाब से थे जिनकी मातृभाषा पंजाबी थी, बहुत सारे लोग गुजरात से थे जो, और उनमें से बहुत सारे लोग ईस्ट अफ्रीका से आए थे तो वो गुजराती भी कहना चाहिए एक अलग किस्म की बोलते थे। तो इस देश में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं था। कई लोगों ने अखबार निकालने की कोशिश की, बीबीसी में हमारे एक साथी थे नरेश अरोड़ा, उन्होंने पहली पत्रिका यहाँ निकालने की कोशिश की लेकिन बहुत सफल नहीं, और भी बहुत सारे अखबार धीरे धीरे निकले लेकिन किसी कुछ अंक प्रकाशित हुए, कहीं हिंदी का कोई बहुत चलन दिखाई नहीं पड़ता था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने अपनी जड़ें जमाई, लोग यहाँ आए, और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत से जो नई पीढ़ी की, जो आपकी पीढ़ी जब आई है तो वो हिंदी को बड़े पैमाने पर लेकर के आई है। पहले कहना चाहिए इमिग्रेशन होता नहीं था, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते थे, लेकिन ये जो मिलेनियल जनरेशन है जो 2000 के बाद यहाँ पर जब आप लोग आए हैं, तो आप देखा जाए कि हिंदी का पुनर्जागरण इस देश में 2000 के बाद होता है, और अभी तो आप लोग इतना कहानियां लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। तो ये मेरे अपने लिए, जिसने ब्रिटेन में रहकर के सारा, मैं तो बीबीसी हिंदी सर्विस में काम करता था, बड़ी विडंबना यह है कि भारत में रहकर के जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था तो मुझे कहा गया कि हिंदी में मत लिखो अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, तो वहां पे मुझे अंग्रेजी में काम करने के लिए बाध्य किया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और मेरा सारा हिंदी का लेखन जो हुआ है वो इंग्लैंड की धरती पर हुआ है। तो एक अजीब गरीब इत्तफाक है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बढ़िया, जो सबसे जो रोचक बात है कि 2000 के बाद ये नई पीढ़ी के लोग आए हैं, और एक बात और भी है जो मैं कहता हूँ, ये वो पीढ़ी है जिसने भारत को विश्व के मानचित्र पर रखा है। जब हम लोग आए थे तो भारत तीसरी दुनिया का देश कहलाया जाता था, हम लोग आते थे तो डरे हुए होते थे, अंग्रेजी उस आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल पाते थे, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के हमारी पीढ़ी यहाँ आती थी, संघर्ष करती थी, और जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनकी कहानियां अद्भुत कहानियां हैं, और फिर अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, और आज हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, उस देश में मेरे ख्याल से सबसे सफल विदेशी समाजों में से एक है, और उसमें से आप लोगों की भूमिका जो 2000 के बाद, यानी जो युवा प्रवासी हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, और आप हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं, ज्ञान जी हैं, आशीष हैं, उनकी कविताएं मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, अश्विनी रश्मि जी, और आप लोगों ने जिस तरह से किया है भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को ब्रिटेन के हृदय में बसाने के लिए जो काम आप कर रहे हैं वो निस्संदेह सराहनीय है, और मुझे बहुत खुशी होती कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। धन्यवाद विजय राणा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम करूंगी आशीष मिश्रा जी, हार्दिक स्वागत है, आप आ गए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और ज्ञान शर्मा जी भी आ गए।
अश्वनी श्रीवास्तव सर जी है हमारे साथ, आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगी, आप थोड़ा बताइए। और जैसे कि विजय राणा सर ने बोला, मैं भी आई थी यहाँ और कभी शॉपिंग जाती थी और हिंदी में कोई बोलता था तो इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, जैसे एक अपनापन महसूस होता था। और सच बात है कि पहले के जो जनरेशन है उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, पर जब मैं मेरा सीवी लिखती थी और हिंदी लिखती थी कि मुझे हिंदी आती है, गुजराती आती है, अदर लैंग्वेजेस नोन मराठी आती है, तो उसमें वो लोग एक्चुअली सवाल पूछते थे कि ओ यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस। और पहले जैसे इंडिया को थर्ड वर्ल्ड, अभी तो इंडियंस को मतलब इतना रिस्पेक्ट है, हर एक जॉब में टॉप पोजीशंस पे है। मैं भी कहना चाहूंगी मेरे हस्बैंड इज आल्सो इन अ वेरी गुड पोजीशन, भगवान की कृपा से। आई वाज, मैं इंडिया में बॉर्न थी, यहाँ आकर भी मुझे भी जॉब मिल गई। तो ये अभी ऐसे पॉजिटिवली लिया जाता है कि अच्छा आपको हिंदी भी आती है, और कोई ऐसे परदेश में मिल जाता है हिंदी बोलने वाला तो अलग ही खुशी महसूस होती है। जैसे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, आप सब आज जुड़े हैं। अश्वनी सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े इंस्पायरिंग इंडियन वुमन के साथ, उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन और इंस्पायरिंग इंडियन वुमन की तरफ से आज का हमारा प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है और दो शब्द प्लीज कहे। थैंक यू दर्शना जी, और सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी को, इतने शॉर्ट समय में से वही इस तरह का प्रोग्राम कार्यक्रम प्रायोजित कर सकती हैं। विजय जी आपको नमस्कार और सभी गेस्ट को नमस्कार। देखिए, बात हिंदी की निकली है तो दो शब्दों से ही शुरू करूंगा कि इस अद्भुत भाषा के वर्णों को शब्दावली में पिरोने दो, इस अद्भुत भाषा के शब्दों वर्णों को शब्दावली में पिरोने दो, आज बात निकली है अभिव्यक्ति की तो मुझे हिंदी में बात करने दो। बहुत सुंदर। तो आपने जो बोला दर्शना जी, सभी का शायद वही हाल है। मैं काफी समय जैसे बाहर रहा, यूरोप में, जर्मनी में, फिनलैंड वगैरह में रहा, तो हम सुपरमार्केट में जब शॉपिंग करने जाते थे तो हम एक ढूंढते थे कि कहीं से हिंदी की अगर आवाज आए, कोई हिंदी में बात करता सुनाई पड़ जाए, तो हम आजू बाजू पलट के देखने लगते थे कि कौन है हिंदी में, कौन हिंदी में बात कर रहा है, क्यों, कहाँ है, किससे जाके बात की जा सके। और जब भी अपनेपन की बात हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो, अपने आप की भावनाओं को प्रकट करने की बात हो, तो हिंदी से अच्छा हम लोग हिंदुस्तानियों के लिए तो कोई माध्यम नहीं है। मैं दो मेन पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा क्योंकि आज हिंदी दिवस की बात निकली और ज्यादा तीन पॉइंट पर, ज्यादा समय नहीं लेके। पहला तो ये कि देखिए, हिंदी, हम सभी हिंदी को प्यार करते हैं, हम सभी हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, पर किस तरह से इस हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। अब जैसे विजय जी ने बोला कि हमारे जनरेशन के बाद इस नई जनरेशन जो युवा पीढ़ी है, इसके बाद हिंदी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर अभी भी काफी इम्प्रूवमेंट बाकी है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, शायद 4 या 5 साल पहले की बात है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है, पहले ऑफकोर्स यहाँ पैदा हुआ, हमने उसे इंग्लिश ही सिखाई, बाद में रियलाइज हुआ कि इसे हिंदी बोलना सिखाना चाहिए, तो हमने उसे काफी ज्यादा फिर हिंदी बोलना सिखाया, जैसे तैसे धक्का मारकर पर ही स्टार्ट, उसने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। ही वो अच्छे से बात कर सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता है। तो 4 या 5 साल पहले हम इंडिया में ट्रेन में सफर कर रहे थे और हमारे साथ एक और फैमिली थी जो इंडिया में ही रहते हैं, और उनके बच्चे और मेरा बेटा, ये सारे आपस में इंग्लिश में ही काफी देर तक बात करते रहे, और थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने उनसे हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। तो सामने वाली जो फैमिली थी वो काफी सरप्राइज हो गए, उनका कहना था कि अरे आपका बच्चा हिंदी बोलता है, हमारा बच्चा तो हिंदी नहीं बोल पाता है। और ये सोचिए, ये मैंने सुना इंडिया में रह के, इंडिया में ट्रेन में बैठ के। तो ये एक काफी आश्चर्यजनक समय था कि यदि हिंदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं। और किसी तरह से हमें ये मैसेज ना सिर्फ यूके में बल्कि इंडिया में और बाकी देशों में भी पास करना है कि हिंदी एक भाषा है हमारी, जिसको कहते हैं हमारी जीवनदायिनी भाषा, हमारी विचारों की अभिव्यक्ति वाली भाषा है, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्याकरण है, तो धीरे धीरे इस भाषा को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा जो मैं बोलना चाहूंगा कि इस समय काफी लोग, हम लोग सभी
हैं, सभी डिजिटल और आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं किसी वन और द अदर वे हम लोग। तो आप देखिए, अगर अब हिंदी में हम लोग रिसर्च करना चाहें तो हिंदी का जो कंटेंट है, हिंदी के जो किताबें हैं, जो कंटेंट है ऑनलाइन, उसको बहुत, वो बहुत कम है। तो किसी तरह से अभी यदि हम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हिंदी में शुरू करना शुरू कर दें तो ये हम अपनी भाषा के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे कि इस भाषा को बढ़ाना, इस भाषा को आगे लेके जाना। क्योंकि आप और मैं आपस में तो हिंदी में बात कर सकते हैं, पर ये हिंदी फिर किस तरह से, किस कितना आगे चलेगी, और ये हिंदी फिर कब इंग्लिश बन जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। शायद आने वाले 20 या 30 साल में ये इंग्लिश ही हो जाए। आज भी हम भी जब बोलते हैं तो पूरा हिंदी में तो बोलना बहुत मुश्किल है शायद मेरे लिए भी। तो यदि हम किसी तरह से अपनी पीढ़ी को और अपने साथ की जनरेशन और आने वाली जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकें, इंस्पायर कर सकें कि थोड़ा सा हिंदी में काम करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा होगा। इसी के मैं ख्याल से यही बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज जो ऑफकोर्स काफ़ी अफसोस होता है वो ये देखकर कि इस समय आप वर्ल्ड हिंदी डे पर अगर रिसर्च करना चाहें, विजय जी ने ऑलरेडी कवर किया, मैंने कोशिश की थी रिसर्च करने की, पर ऑनलाइन वर्ल्ड हिंदी डे पर कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक पैराग्राफ के, एक या दो पैराग्राफ के, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से विजय जी ने कवर कर लिया तो यही है। तो एक भारतेंदु हरीशचंद्र जी, जिन्हें हिंदी का जनक भी कहा जाता है, उनकी दो लाइनें हैं कि निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहे मूढ़ के मूढ़। तो उसी भाषा, उस उन्हीं दो पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी इंस्पायर करें और हिंदी में कंटेंट क्रिएट करें, हिंदी को बढ़ावा दें। उसी के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्कार। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हेलो अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ विजय जी आ रही है। एक चीज मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा, कंटेंट की बात आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी जो मुश्किल मेरे सामने आती है जब मैं हिंदी की शोध करता हूँ, अभी तो इंटरनेट पे बहुत कुछ उपलब्ध है और पुराने आर्काइवल मटेरियल बहुत उपलब्ध है, हिंदी के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इंडेक्स नहीं है पीछे। तो अब आपके सामने यदि स्कंद पुराण आपको पढ़ना है जो हिंदी संस्कृत दोनों में है, अब आपके सामने वो 900 पृष्ठों की किताब है, यदि आप चाहते हैं कि उसमें केवल हम चाहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे पास कोई साधन नहीं, हमको वो 900 पेज पलटने होंगे। और तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, रामचरित मानस का कोई ऐसा सैकड़ों बार प्रकाशित हुआ है, अलग अलग लोगों ने प्रकाशित किया है, लेकिन आज तक रामचरित मानस हिंदी में ऐसी नहीं है जिसमें पीछे इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स हो, जो किसी भी प्रकाशन की बेसिक जरूरत। यदि आप चाहें कि हम राम केवट संवाद सुनना चाहते हैं, केवल उसको पढ़ना चाहते हैं, सारा रामचरित मानस पढ़ने का वक्त किसके पास है? यदि हम कोई एक विशेष घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई साधन नहीं, आपको सारी रामायण पढ़नी पड़ेगी। तो इससे बहुत सारे जो शोध करने वाले लोग हैं वो एक तरह से विमुख हो जाते हैं, उनका कोई कहते हैं छोड़ो फिर बाद में देखेंगे। और खासतौर से पत्रकारिता में हमें बहुत मुश्किल आती है, तो हिंदी ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो बेसिक जरूरत है वो हमारे प्रकाशकों ने आज तक पूरी नहीं की है। यदि आप लोग भविष्य में कोई किताब प्रकाशित कर रहे हैं, यू शुड इंसिस्ट विद योर पब्लिशर कि भाई इंडेक्स जरूर होनी चाहिए किताब। बहुत बढ़िया, आपने इतना छोटा पॉइंट है बट बहुत महत्व की बात आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी ज्ञान शर्मा जी को, मुझे पता है वो आउट ऑफ कंट्री है तो समय की भी उनको पाबंदी है, तो ज्ञान शर्मा जी धन्यवाद आने के लिए और थोड़ा कुछ सुनाइए, महफिल जमाइए। नमस्कार, और मैं अभी यूके में आ गया हूँ एक्चुअली दर्शना जी। अच्छा आ गए हैं? अच्छा आ गया मैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, रश्मि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वही इतनी फास्ट प्रोग्राम आयोजित कर सकती हैं विद इन मिनट्स और कोई नहीं कर सकता, और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देख के। और मेरे को लग रहा है एक्चुअली हिंदी की पॉपुलरिटी अभी बढ़ रही है, अच्छे से बढ़ रही है एक्चुअली। अभी पहले कुछ समय तक, पहले कई साल पहले तक ये था कि अगर कोई हिंदी में बात करे तो वो समझ लीजिए
थोड़ा सा यूके जैसी कंट्री या इंडिया के भी बड़े बड़े जो शहर है उसमें थोड़ी सी इन्फीरियोरिटी में इन्फीरियोरिटी की तरफ ये इंगित किया जाता था कि इसको ये लग रहा है इंग्लिश नहीं आती इसलिए हिंदी बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आजकल अगर कोई हिंदी अच्छी हिंदी बोलता है तो उसकी काफी इज्जत बढ़ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और ये सब आप लोगों की मेहनत है कि हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में तो हिंदी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इस तरीके के प्रोग्राम अगर आयोजित होते रहें और लोग, और जब हिंदी में हमको बात करनी है तो फिर हम प्योर हिंदी में बात करें एक्चुअली, फिर उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। अगर हिंदी में बात करें तो प्योर हिंदी में करें और इंग्लिश में करें तो प्योर इंग्लिश में करें, लेकिन ये है कि इंग्लिश में भी अगर लोग जानबूझ के अगर इंग्लिश के शब्द डालेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है चलो, क्योंकि प्योर हिंदी की बहुत वैल्यू है चलो, बहुत इज्जत है, तो उसका सब लोग ध्यान रखें। और इसमें मैं एक कविता सुना देता हूँ, हिंदी के ही ऊपर है, हिंदी के कवि सम्मेलन के ऊपर है। तो ये ऐसा है, हिंदी का कवि सम्मेलन है तो कहना हमको हिंदी में है, हिंदी का कवि सम्मेलन है तो कहना हमको हिंदी में है, मन के सच्चे भाव जो कह दे कहना उस हिंदी में है, मन के सच्चे भाव जो कहना उस हिंदी में है। और हिंदी हम लोगों को कैसे जोड़े रखती है, अगर मान लीजिए हमको हिंदी नहीं आती तो हमारा मातृभूमि से भी कनेक्शन थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। तो इसके लिए है, मातृभूमि से जोड़े बंधन दिल का भी रिश्तों का भी, मातृभूमि से जोड़े बंधन दिल का भी रिश्तों का भी, भाषा जो हम सबको जोड़े कहना उस हिंदी में है, भाषा जो हम सबको जोड़े कहना उस हिंदी में है। हिंदी केवल नहीं है भाषा, ये जननी है भाषाओं की, हिंदी केवल नहीं है भाषा, ये जननी है भाषाओं की, गर्व हुआ जब मैंने जाना कहना उस हिंदी में है, गर्व हुआ जब मैंने जाना कहना उस हिंदी में है। और जैसे इंग्लिश और हिंदी में एक चीज हम लोग देखते हैं अक्सर कि यहाँ पे इंग्लिश में मामा हो चाचा हो ताऊ हो सबके लिए एक ही अंकल शब्द यूज होता है, तो एक तो भाषा की जो है कमी एक तो मान लीजिए, दूसरा उसमें अपनेपन की भी कमी दिखती है इन चीजों में, क्योंकि आप वो फीलिंग ला ही नहीं सकते अंकल शब्द से अगर आप मामा मामी मामा और चाचा के ऊपर डालते हैं। इसके लिए है समृद्ध बहुत ही हिंदी हर रिश्तों को नाम दे, है समृद्ध बहुत ही हिंदी हर रिश्तों को नाम दे, और रिश्तों की ममता छलकाए, और रिश्तों की ममता छलकाए कहना उस हिंदी में है। देखिए लास्ट है, लास्ट लाइन है दो, ज्ञान कठिन था भरना सागर, ज्ञान कठिन था भरना गागर भावों का छोटा सा सागर, ज्ञान कठिन था भरना गागर भावों का छोटा सा सागर, बात सरल हुई जब ये जाना, बात सरल हुई जब ये जाना कहना उस हिंदी में है। तो हिंदी का कवि सम्मेलन है तो कहना उस हिंदी में है, मन के सच्चे भाव जो कह दे कहना उस हिंदी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी भी, वीरेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी अगर वो आए दो शब्द कहे। वो उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, और बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। आपको प्लीज थोड़ा दो शब्द कहिए हिंदी के बारे में, और फिर से दोबारा धन्यवाद कहूंगी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए, तो ओवर टू यू। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद आपको भी और रश्मि जी को भी और हमारे सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं विजय राणा जी और बाकी सभी लोगों के लिए। बहुत कम समय में तो आपने आयोजन किया, इसके लिए धन्यवाद। और सच में ये बात सच है कि हम शुरू में ऐसा होता था, मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ है, पहली बात स्कूलिंग हमारी हिंदी मीडियम से हुई है। फिर जब मैं कॉलेज में गया मतलब डिप्लोमा करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनसे कम इन्फीरियर हूँ या ऐसा, मतलब ऐसा फील मन में फीलिंग थी। लेकिन बाद में शुरू के पहले दो हफ्ते तक ऐसा था, बाद में फिर सब चला गया, क्योंकि बाद में वहाँ जाने पर लगा अरे सभी हिंदी बोलते हैं, यू नो वहाँ पे सभी एक दूसरे से मिल गए कि हमें वो कमी ऐसे महसूस नहीं हुई। बाद में जब हम यूके आए 98 में, तो यूके आने के बाद में यूके आने के समय भी ऐसा लग रहा था कि वहां पे कैसे होगा क्या होगा,
सुना था, हमारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स हमारे जो कलीग्स वगैरह हैं अभी तो थे ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे हम एयरपोर्ट पे आए, उतरने के बाद हमें जिस टैक्सी में हम बैठे वहां पे वो हिंदी में बोलने वाला मिल गया, आप कहाँ जाएंगे, वो सुनते ही ऐसा मन में मतलब खुशी हो गई कि जैसे अरे इस धरती यहाँ पे आने के बाद भी हमें भारत से या अपनी भाषा से कोई जान पहचान वाला मिल गया, ऐसा लगा कि अपना ही व्यक्ति, अपना ही भाई है, अपना ही कोई व्यक्ति है वो, तो इतना अच्छा लगा। और जैसे रश्मि जी ने कहा कि हम जब कहीं भी सुपरमार्केट और शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहां पे किसी आयल में से कोई आवाज आती थी तो हमें लगता था कि अरे ये कौन कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। और उसी तरह से आजकल हम भोजपुरी का सुन लेते हैं ना, भोजपुरी भाषा की कोई बोलने वाला, तो हम उस किन गली में चले जाते इमीडिएटली उस सुपर मार्केट के, कि कहाँ पे कौन बोल रहा है देखिए, तो अब उस तरह की पहचान हो चुकी है। और हिंदी भाषा जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे, हम सब घर में हमने पहले से नक्की किया हुआ था कि हम हिंदी में ही बात करेंगे, बच्चों के साथ में भी, और हिंदी में अभी भी बात करते हैं, और हमारे बच्चे भी हिंदी में बात करते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्कूल में उनके स्कूल में व्यवस्था नहीं थी कि हिंदी में जीसीसी किया जाए, लेकिन वो बच्चों ने खुद ही से ही हिंदी पढ़ना सीखा, बोलते तो थे ही लेकिन वो शब्दों के नीचे नीचे लाइन देख करके वो पढ़ना शुरू किया। हमने केवल उनको अक्षर ज्ञान एक तरह से बोला, अक्षर दिखाया था कि ये क्या है, ये क है, ये ख है, ग है, अंग है, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे धीरे पिछले स्वयं प्रेरित होकर खुद से पढ़ना शुरू किए। हम एक मैं ये भी कहना चाहूँ कि हम हर रविवार के दिन एक स्वाध्याय एक्टिविटी है, वहां हम जाते हैं, तो वहां पे गीता पे और उपनिषदों पे थोड़े से प्रवचन वगैरह होते हैं, तो वहां पे हम गीता पारायण वगैरह करते हैं, तो उनके पास जो स्रोत गीता के पारायण के बुक है वो हिंदी इंग्लिश लिपि दोनों साथ में है, तो उसके जो शब्दों का जो ऊपर नीचे देखते हुए उन्होंने इस तरह से पढ़ना शुरू किया, तो उसको वो सब देखने के बाद हमें लगता है कि देखो ये भाषा को हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन भी इस तरह से उसको जीवित रखने की कोशिश करेगी, और अगर हमारा कुछ भी हम उसमें अनुदान कर सके या कुछ भी उसमें अगर कोई समझिए कि कोई ट्रांसलेशन या उसके भाषांतर या कोई जैसे विजय राणा जी ने कहा कि इंडेक्स नहीं है, अगर कुछ को ऐसा प्रयोग शुरू होता है तो उसमें अपनी तरफ से जो कुछ भी समय या कुछ भी कोशिश होगी वो हम करने की जरूर कोशिश करेंगे। हम आप सबको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा, और आपने कहा आपके बच्चे भी हिंदी में बोलते हैं, तो मुझे भी याद है मैं बॉम्बे में पली बली हूँ, बड़ी हूँ, हुई हूँ बॉम्बे में, और मैं गुजराती हूँ, बट हम घर पे हिंदी ही बोलते थे, कि बॉम्बे ऐसा शहर है कि बाहर जाते थे तो हिंदी बोलते थे, और जब मैं यहाँ आई यूके में मेरी शादी के बाद, तो यहाँ घर वाले मेरे केनिया से है, सो दे डोंट स्पीक हिंदी, मेरे हस्बैंड को आती है हिंदी पर थोड़ा मुश्किल से बोलते, अभी मेरे साथ रह के थोड़ा बोल रहे हैं, तो यही चीज मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सब शेयर करें, और यही है कि हम अपनी भाषा बोले ताकि और लोग भी इसमें जुड़े और लोग भी सीखे और लोग प्रोत्साहित हो कि नहीं हमें हिंदी बोलनी है। और मैं खुद एक कवि हूं, तो मैंने बहुत बार महसूस किया कि मैं कविता इंग्लिश में भी लिखती हूं और हिंदी में भी लिखती हूं, पर जो हिंदी की जो फीलिंग्स होती है ना वो पूरी हिंदी में ही हम व्यक्त कर सकते हैं, और इंग्लिश में उतनी फीलिंग्स हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि आपके बच्चों को सिखा रहे, और हम अब हम सब पर है कि हम ये हिंदी भाषा को कैसे जीवित रखे, कैसे आगे बढ़ाते रहे, ये भी यूके में रहते हुए, तो यही इच्छा है, और अगले साल जब हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे मेरी आशा है। और स्वागत करना चाहूंगी तरला माशरू जो एक आरजे है वो ज्वाइन हुई है, मधुरेश जी भी ज्वाइन हुए। तरला माशरू जी नमस्कार, कैसे है कैसी है आप? आप म्यूटेड है, अनम्यूट कीजिए। और स्वागत करूंगी मधुरेश मिश्रा जी नमस्कार, और प्रदीप जी आपको थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा हिंदी के बारे में बताइए कैसा रहा ये, आप थोड़ा
प्रदीप जी जी प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन आप कम समय में आ गए, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदी भाषा, जब जैसे सभी ने कहा कि हम हिंदी भाषा भारत में तो बोलते ही है, यहाँ पे अगर कोई हिंदी बोलता है तो बहुत आनंदित होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी स्माइल से लग रहा है एवरीथिंग इज सेड एनीवे। जी जी, मैं भी मेरा भी जन्म और पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली में हुई, तो दिल्ली तो हिंदी ही चलती है वहां पर ज्यादातर, मतलब इंग्लिश हालांकि काफी मल्टीकल्चरल है, साउथ के भी काफी लोग हैं जो जॉब करने के लिए आते हैं, तो हिंदी से तो हमेशा जुड़ाव रहा। और जब मैं यहाँ पर आया तो जैसे किसी ने बोला था कि टैक्सी वाला हिंदी में बोला, तो मैं कोच से आ रहा था, जब हीथ्रो से उतरा तो बर्मिंघम के लिए कोच ली थी और उसमें एक सरदार जी बैठे हुए थे, तो उनसे बात शुरू हो गई और हिंदी में, तो फिर ऐसा लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर भी कोई है। तो हिंदी का तो मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि हिंदी अब हिंदी का प्रसार अब ज्यादा हो रहा है। यदि मुझे याद है जब बचपन में मैं क्रिकेट मैच देखा करता था तो कमेंट्री इंग्लिश में ही आती थी, हिंदी में बहुत कम थी या ना के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो हिंदी में भी कमेंट्री शुरू हो गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि बॉलीवुड जो है उसने भी काफी हिंदी पे जोर दिया है। आप देखेंगे किसी का एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखेंगे तो भले ही वो इंग्लिश में बोले, उनका मालूम नहीं क्या रीजन रहता होगा, लेकिन जहां पर आपको पैसा बनाना है, आपको फिल्म बनानी है, तो आप हिंदी ही यूज करते हैं। और अब तो आपने देखा होगा पहले उर्दू काफी यूज होती थी, उसका उपयोग काफी होता था बॉलीवुड की फिल्म्स में, लेकिन अब जो है हिंदी पे काफी जोर दिया जा रहा है। आपने फिल्म भी देखी होंगी हिंदी मीडियम, है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को भी दिखाया जाता है कि हिंदी की क्या कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हिंदी कॉम्प्लेक्स की चीज नहीं है ये आपका। और ये हिंदी का प्रसार तभी ज्यादा होता है जब उसको बोलने वाले उसमें गर्व महसूस करते हैं। आप जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था अटल जी का, जब अटल जी आए तो हिंदी का साहित्य का है और एक देशभक्ति का काफी प्रसार हुआ। अब जैसे ही मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, तो आपने देखा होगा कि एनआरआई जो लोग विदेश में रहते हैं उनके अंदर भी एक अपने आप को भारतीय कहने का गौरवान्वित फील होता है। तो जब बोलने वाले अपने आप में कॉम्प्लेक्स, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेकिन गर्व की जब तक महसूस करेंगे, तो वो भाषा अपने आप ही अपना प्रसार करेगी और आगे बढ़ेगी। एक बस एक लाइन में अटल जी की कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट ज्यादा चलता था तो उनकी एक लाइन थी, मुझे पूरी कविता तो याद नहीं उनकी, सहने की भी एक सीमा होती है, सागर में भी ज्वाला सोती है। बस इतना ही। बहुत बढ़िया। आपने बॉलीवुड की बात की तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात है आपकी के बॉलीवुड में सब ऑफकोर्स इंग्लिश झाड़ते रहते हैं, हमको भी झाड़ना पड़ता है, पर अल्टीमेट हिंदी ही महत्व की भाषा है, बॉलीवुड तो पूरा हिंदी है। तो मैं जब यहाँ जॉब पर जाती थी तो बहुत सालों पहले की बात है, मेरी साथ की कलीग थी जो कि इंडियन नहीं थी, तो उसने मुझे एक दिन बात किया कि यू नो दिस सिंगर ही हैज संग लाइक बहुत पॉपुलर है वो, और उसने 100 गाने गाए हैं, नहीं उसने मुझे बोला बहुत पॉपुलर है ये सिंगर। मैंने बोला ओ कौन है ये, मुझे नहीं पता। बोलते अरे, तो उसने मुझे एकदम झाड़ दिया, उसने मुझे एकदम नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने बोला तुमको ये नहीं पता इसने 100 songs गाए, he has sung 100 songs, don't you know him?
तो मैंने बोला ओके डू यू नो लता मंगेशकर, तो बोलते हैं नो, तो मैंने बोला लता मंगेशकर इज अ सिंगर हु हैज संग मोर देन 25,000 सॉन्ग्स एंड इन मोर देन 10 लैंग्वेजेस एंड शी वाज शॉक्ड कि वो एकदम धरी की धरी रह गई. और मैंने बोला कि अब क्या कहना है, जैसे आपको लता मंगेशकर के बारे में नहीं पता, मैंने इस वैसे आपको इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने बोला आप देखो लता मंगेशकर को गूगल सर्च करके देखो, क्योंकि आजकल सब लोग गूगल सर्च पे ही होते हैं. तो यही है कि हमारी भाषा का हमको खुद को गौरव होना चाहिए. और यही बोलना चाहूंगी कि अब आजकल एक बहुत सेंसेशनल सिंगर है तांजानिया का, किली पॉल करके, जो लिप सिंग करता है, और उसने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स ही सिलेक्ट किए. और यही तो है हिंदी का महत्व के सभी सीखना चाहते हैं. और आजकल ग्लोबल है, सब कुछ जूम पर है, तो लोग सीख भी रहे हैं. जो इंडियंस नहीं हैं वो लोग भी सीख रहे हैं. जैसे मेरे जॉब पे भी कुछ कुछ शब्द है उनको मैं सिखाई देती हूँ और वो बहुत उत्साहित होके सीखते भी है. कुछ कुछ शब्द है जैसे चलो सबको पता ही होता है, खाना सबको पता होता है, तो ये सब कुछ कुछ शब्द हम जुड़ते जाए, लोगों से शेयर करते जाए, तो ऑफ कोर्स हम ऐसा सपना देख सकते हैं कि हिंदी भी बहुत बहुत बोली जाए, भले ही हम यूके में रहे. तो तरला माशरू जी तो आएगी, तब आएगी पता नहीं, उनको हमेशा मुझे वेट करवाती है. पर आशीष मिश्रा जी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका. कैसे हैं आप आशीष भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम. और जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत ही जल्दबाजी में ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इस कार्यक्रम को देखकर सुनकर जिस हिसाब से चल रहा है कि इसकी कुछ इसमें कुछ कमी है. जिस विशेषता के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम होना चाहिए, जो बातें होनी चाहिए वही हो रही हैं. तो आप सभी को इस बात के लिए बधाई, रश्मि जी और आपकी पूरी टीम को. बहुत अच्छा संयोजन भी है. अभी हमने इतना बढ़िया विजय राणा जी को सुना, हिंदी हिंदी का इस देश में इतिहास सुना हमने उनके माध्यम से. एक एक विशिष्ट साहित्यकार ही नहीं, वे एक इतिहासकार भी हैं, और उनके हर वक्तव्य में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पे भारतीय परिवेश के लिए. तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उन्हें. हम लोग मैं वैसे हिंदी कहानियां कविताएं लिखता हूँ, और बाकी अंग्रेजी तो सिर्फ एक जीविका धनोपार्जन के लिए है. जैसे आपने बोला, अभी किसी वक्ता ने बोला कि हमें अपनी हिंदी ही नहीं, जो भी अपनी मातृभाषा है उसमें उसमें हमें भाव आते हैं, उसमें हमें वो शुभ विचार आते हैं. हमें कम से कम मुझे सपना तो इंग्लिश में आज तक नहीं आया, इस इंग्लिश की धरा पर हूं मैं, वो हिंदी में ही आता है. तो मतलब अपनी मातृभाषा में ही आता है, क्योंकि आपके वो आपके अंदर वो बैठी होती है चीजें, क्योंकि हम तो, सोचते हैं हिंदी में ना, हम सोचते हैं हिंदी में, तो हम मैं सोचती हूँ हिंदी में, इमोशंस भी हम हिंदी में होते हैं, और लिखती भी हिंदी में ही हूँ, और तभी उसका प्रभाव पड़ता है. मानेंगे ना, आप भी लिखते हो, आप भी कवि हो. जी सही बात है आशीष मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है. और इसमें एक अलग बात यह है कि जो हमारी शायद विजय राणा जी जानते हैं, एक संस्था है विश्व हिंदी सचिवालय, उसके अंतर्गत बहुत सारे हिंदी के संस्था पुरानी हो सकती है, लेकिन जो मैंने देखा है पिछले एक साल में, उसमें काफी अच्छा सकारात्मक काम कर रही है वो, खासकर इंटरनेट पर अच्छा से अच्छा हिंदी में क्या उपलब्ध हो सकता है उसके लिए वो लोग कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं चला रहे हैं. मैं भी उसमें एक दो में सम्मिलित हूँ. तो देखिए क्या होता है. और आपकी जो विजय राणा जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है वो, कि हमें एक एक जो निर्देशिका सूची होती है, इंडेक्स, वो नहीं मिलता है हमें अपने 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 अपनी पुस्तकों में, किताबों में, वो होना चाहिए. बिल्कुल अच्छी बात है वो. चलिए मैं हिंदी दिवस पर वापस आता हूँ. और आशीष मिश्रा जी, आप नहीं जा सकते, एक कविता तो आपको थोड़ी, भले छोटी ही हो,
कुछ भी सुनाना पड़ेगा क्योंकि आप कवि हैं तो इस मंच पर आए हैं। तो मैंने कभी हिंदी व्याकरण के ऊपर लिखा था, वो छोटी छोटी दो दो पंक्तियां हैं, उसके बाद आप लोग जो बोलोगे वो मैं सुना दूंगा। कि जो भी आपको मन हो वो ऐसे है कि हर भाषा का खूब महत्व, हर भाषा का खूब महत्व, पर हिंदी फूलों के हार सी, संस्कृत से है तत्सम तद्भव, कुछ अरबी कुछ फारसी। बढ़िया और बढ़िया। चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा जिसमें उपमा होती है अलंकार, चांद सा सुंदर चेहरा जिसमें उपमा होती है अलंकार, और नवमी कक्षा में रट डाला समास व्याकरण का आधार। और धन्यवाद। क्या भूले तुम कोई मुहावरे, क्या भूले तुम कोई मुहावरे, जैसे उल्टी गंगा बहना, एक आंख ना भाना या उंगली नाच नचाना। बढ़िया। और कर्ता ने लिखी ये कविता, कर्ता ने लिखी ये कविता, कर्म तुम्हारा सुनना, सर्वनाम उसको सुनवाना, वह विशेषण कहना। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कुछ समय तो मैं, हाँ जी, अलंकार पे कुछ बोले। अलंकार पे अलंकार पे अभी उसमें थी, अलंकार पे वो वाली आपने शायद छूट गई आपसे, कि चांद सा सुंदर चेहरा जिसमें उपमा होती है अलंकार, उपमा अलंकार है, चांद सा सुंदर चेहरा जिसमें उपमा होती है अलंकार, नवमी कक्षा में रट डाला समास व्याकरण का आधार। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पर सुनना है, राम पर सुनना है, देश पर सुनना है, हिंदी पर एक और कविता सुनना है, क्या सुनना है, मैं एक और सुना सकता हूँ। प्रभु राम पर सुना दीजिए, आशीष जी नमस्ते। राम पर सुना दीजिए, राम पर सुना दो, चलिए राम पर सुना। ये इसको कविता मानिए, भजन मानिए, प्रार्थना मानिए, जो भी मानिए, राम के लिए है। कुछ इस तरह से है कि और ये कविता अभी जो अयोध्या में जो न्यास पीठ बना हुआ है राम जन्मभूमि के लिए, उनके पास तक गई है, और वो लोग वहां पर अपनी जो भी एक पुस्तकालय की पत्रिका बना रहे हैं उसमें वो लोग इसको रखने वाले हैं। तो वो इस तरह से है कि हे राम, हे राम सुबह और शाम बना दे, हे राम सुबह और शाम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे, मेरे मन के में है राम झलकियां तेरी, मेरे मन के में है राम झलकियां तेरी, राम दिखा दे अपना द्वारा, हाँ तोड़ बेड़ियां मेरी, तेरे माथे पर पुष्पित है सूरज की पहचान, कितने राम बटोरे तूने बनने को एक राम, आज हृदय के एक कोने में उस निषाद की नाव बना दे राम, हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे, कठिन राह राहों के कांटे राम सहज ही काटे, कठिन राह राहों के कांटे राम सहज ही काटे, राम युद्ध में भी केवल तुम अनुकंपा ही बांटे, झूठे बेर कहीं खाकर या किशकिंधा ही जाकर, तुमने बतलाया झूठा सब बेमतलब का पाकर, अशबरी के मन के दीपक सा सुंदर मुझ में भाव जगा दे राम, हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे। अंतिम बंद है कि राम चतुर्भुज होकर भी तुम मानवता का मान रहे,
राम चतुर्भुज होकर भी तुम मानवता का मान रहे, कितने ही रावण से मिलकर राम सदा तुम राम रहे। राम महल से रावण तक हाँ कितने वक्री काल पड़े, लेकिन धीरज के संबल से बार बार तुम राम बने। ऐसी अलग सहज नीति को, हाँ ऐसी अलग सहज नीति को मुझ में भी आसान बना दे राम। हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम सुबह और शाम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे। बहुत बढ़िया आशीष भाई, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच है मधुरेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। वो फाउंडर है और प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन के, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दर्शना जी, कैसे बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं रोक नहीं पाया, गाड़ी घुमा लिया, घर आ गया हूँ, मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो रश्मि जी पहले ही क्षमा मांग चुका था। बहुत अच्छा आप संचालन भी कर रही हैं और विजय जी राणा जी से लेकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और हिंदी का प्यार ऐसा ही है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम और इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन और यूपीसीए आज साथ में ये कार्यक्रम आपके पास ला रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप फाउंडर थे, थोड़ा बताइए इसकी जर्नी के बारे में, थोड़े थोड़े समय में बताइए, और हिंदी के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में भी थोड़ा आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। हिंदी कार्यक्रम है इसलिए यूपीसीए के विषय में जैसा आपने बोला 30 सेकंड में ही बताऊंगा। बस उत्तर प्रदेश के काफी लोग यहाँ रहते हैं और विजय राणा जी, ललित मोहन जोशी जी बहुत पहले से रह रहे थे, और कुछ ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि ये ग्रुप बन जाए, और फिर जो है हाई कमीशन में कुछ एक दो मीटिंग हुई और एहसास हुआ कि हम लोग जो है बहुत लोग यहाँ रहते हैं लेकिन कोई माध्यम नहीं है जहाँ पे एक जगह बैठ करके अपनी अपनी संस्कृत, अपनी अपनी भाषा, इन सबको सेलिब्रेट मनाया जाए, और उसके साथ साथ जो है साथ में लोगों को जोड़ा जाए, एक दूसरे की सहायता की जाए। तो मुख्य उद्देश्य यही था उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन की स्थापना के लिए, क्योंकि कार्यक्रम हिंदी पे है तो इसलिए यूपीसीए का और बाकी इतिहास कभी दूसरे कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा मुझे लग रहा है ज्ञान जी ने बताया कि पहले लोगों को ऐसा लगता था ना कि आपकी आपके व्यक्तित्व, आपकी सफलता और आप कहाँ पे हैं उसका आपके भाषा से जोड़ करके देखा जाता है था, लेकिन अब ये बदल रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है तो धीरे धीरे वो बदलाव दिख रहा है कि आप जो है आपकी सफलता आपकी भाषा से देख करके नहीं देखी जानी चाहिए। तो ये बदलाव बहुत अच्छा है और लोगों को बोलना चाहिए। शायद अश्विनी जी ने ये बात कही कि बच्चों को, तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से, अभी देखिए जितने लोग बोल रहे हैं अगर आप 2 मिनट लगातार बोलेंगे तो एक दो जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अवश्य होगा उसमें, और मैं बहुत जानबूझ करके प्रयास कर रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा बिल्कुल ना आए, इसलिए बीच में कभी कभी जो है रुक रहा हूँ। मुझे आप रोकिएगा क्योंकि आप पूछिए तो जब समय कम हो तो रोकिएगा, बट लेकिन एक दो चीज़ जो जैसे विजय जी ने कहा एक बहुत अच्छी बात जो विषय सूची या इंडेक्स की बात की, तो एक अच्छी बात हुई अभी रामचरितमानस में विजय जी उन्होंने एक विषय सूची शुरू कर दिया है, सामने रखने के लिए शुरू कर दिया है, जो इंडेक्स पार्ट रामायण के अंत में नहीं लेकिन आप देखेंगे जो नया वर्जन आया है उन्होंने एक विषय सूची रखा है, उसमें जो है धीरे धीरे एक परिवर्तन ये किया है कि जैसे राम सुग्रीव मित्रता है, अंगद रावण संवाद, इस टाइप से उन्होंने रखना शुरू कर दिया, एक अच्छी पहल की है। अब इसको अगले स्तर पे ले जाना चाहिए, अगले स्टेज पे, जिसमें आप इंडेक्स देख करके शुरू करें। और दर्शना जी बहुत कुछ हम लोग हिंदी में जो व्यक्त कर पाते हैं ना, आशीष भाई ने मेंशन बोला ना
कि स्वप्न जो है हिंदी में ही देखते हैं, तो वो जो है अंग्रेजी में वो मजा नहीं आता है, वो हिंदी में ही आता है जो हम अंग्रेजी में तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, तो चूंकि विजय जी ने उसमें बोला रामायण की, तो मुझे एक चीज याद आई, बहुत जल्दी बताऊंगा। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, लेकिन आप जब रामायण पढ़ेंगी और अगर आप कभी अवसर मिले तो उसमें मित्रता की परिभाषा जब राम और सुग्रीव की देखेंगी तो दो चार लाइन इतना अच्छा उन्होंने बताया है, इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है कि आप लगेगा कि अंग्रेजी में कहाँ वो देखने की मिलती है। तो मैं रामायण खोल के बैठा भी हूँ, एक दो लाइन आपको जरूर बताना चाहूंगा, समय है आपके पास कि नहीं है? हाँ, दो तीन लाइन बताइए फिर हम कार्यक्रम। उन्होंने जैसे मित्र की परिभाषा बताई है और ये प्रेरित हुआ हूँ मैं आशीष भाई से, उन्होंने राम पे जो है अभी कविता की, मुझे लगा बताना चाहिए। मित्र की परिभाषा जैसे अंग्रेजी में आप बताई ना, एक लाइन हम बताते हैं, और फ्रेंड्स और मित्र में मुझे तो अंतर भी दिखता है, फ्रेंड्स और जो फेसबुक स्पेशली फ्रेंड्स होते हैं 2000, 3000, 4000, और मित्र में जो है दो चार मित्र हों, लेकिन वो मित्र ऐसे होने चाहिए, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन्हें विलोकत पातक भारी। अब मुझे पता नहीं है कितने लोगों को ये अभी समझ में आया, जो हिंदी बहुत लोगों को आया होगा। दूसरी लाइन है, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेर समाना। मतलब जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से ही पाप होता है, ऐसे मित्र चाहिए। अब ये हिंदी में जो ये वर्णन है अंग्रेजी में कहाँ हो पाएगा ये चीजें। दूसरी लाइन जो बोला, अपने पर्वत के समान दुख को छोटा और मित्र के दुख को बड़ा देखें, तो ये जैसे ऐसे प्रसंग आपको हिंदी में बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत कई चीजें मिलेंगी। बस वही है कि हमें जो है इसको साथ में, इसमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, हमारी मातृभाषा है, और अपने परिवार को बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए उसमें कुछ। और एक अनुभव मैं बताऊंगा, शुरू शुरू में आते हैं जब भारत से हम लोगों, तो हमें लगता है कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अंग्रेजी वो पढ़ेंगे क्योंकि आप यूके में आ गए हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ेंगे वो। तो अगर आप हिंदी नहीं पढ़ाएंगे तो एक तो अपनी भाषा छूट जाएगी, दूसरे जो हमारे दादा दादी उनके आते हैं उनसे वो लगाव ही नहीं हो पाएगा। अगर वो जो आप मन की बात जो बोलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है हिंदी को सीखना, हिंदी को आगे बढ़ाना। और बस अपनी बात, एक रश्मि जी का कार्यक्रम है तो और IIW का और आपका, तो रश्मि रथी की दो लाइन से खत्म करूंगा। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सबको, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बढ़िया आपने कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जरूर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दर्शना जी, मुझे दो लाइनें और भी कहनी थी। हाँ जी प्लीज। एक्चुअली हमें धन्यवाद करना चाहिए विजय राणा जैसे लोगों का, जो लोग यहाँ पे काफी सालों से हमसे पहले भी आए यहाँ पर, और उन्होंने इस भाषा को यहाँ पर उसको योगदान दिया, उसको बढ़ने में, उसको उसका आयोजन में। चाहे हम आए तो सनराइज रेडियो था, हिंदी BBC हिंदी था, चैनल था, मतलब वो सब बातें अगर वो नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होने की बात है, वो ऐसे लोगों ने ही किया, उसकी वजह से हम यहाँ पे उसका उपयोग कर सके और हम उसको और प्रमोट कर सके, और हमें अच्छा लगा उसके साथ जुड़ने में। धन्यवाद भी, तो, बहुत बढ़िया। नहीं, सच बात है, ग्रेन जी ने की है, न्यू की ईंट है विजय जी, रामवृत्त वेणीपुरी की एक बड़ी छोटी कहानी थी न्यू की ईंट, जो हम लोग शायद पढ़े थे। हम लोग जो विजय जी ने बोला आप लोग ले जा रहे हैं, बट हम ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, जो वो नहीं होता पूरा बिल्डिंग का, न्यू की ईंट जो है मजबूत होनी चाहिए। तो विजय जी और विजय जी हमेशा मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है, आप लोगों का प्रेम है और भारतीय संस्कार है कि आप लोग सम्मान देते हैं दूसरों को। Thank you. तो फिर जरूर मिलेंगे और एक बार कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और नमस्कार। नमस्कार। एक बार सबके सबके कॉल खत्म करने पहले एक बार रश्मि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी बहुत इतने शॉर्ट समय में सिर्फ वो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते।
सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्हाट्सएप का जमाना है, फटाफट फॉरवर्ड, यस यस हो जाता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शना, हमारा जो हमारी हिंदी भाषा आजकल तो तंजानिया में फैल रही है बॉलीवुड के द्वारा, आपको पता है ना। हाँ, मैंने बताया, उनका नाम भी लिया मैंने। हाँ। किली पॉल करके जो है वो लिपसिंग हाँ। करते हैं, मैंने उसके बारे में बताया, शायद आपने सुना नहीं, तो यही बता रही थी कि सभी सीख रहे हैं और गाने के माध्यम से या कोई भी माध्यम से हिंदी सीख रहे, और यही चाहूंगी कि और लोग भी जुड़े इस कार्यक्रम में और हिंदी बोलते रहे, हिंदी को वही सम्मान देते रहे जो हम सालों से देते आ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और नमस्कार यूपीसीए को, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मतलब जरा भी दो बार भी नहीं सोचा यूपीसीए ने और फटाफट हमसे जुड़ गए। धन्यवाद उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय।